Ranbir Kapoor and Shraddha Kapoor starrer rom-com Tu Jhooti Main Makkar has finally been released. The film, presented by Love Ranjan, presents a palpable chemistry between the lead pair and a fun story at its heart, which is made spicy by the twist in the love story that takes place between Ranbir and Shraddha's character in the film. As now the film is released, let's check out some public reaction. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कॉमेडी मूवी है. और लव रंजन जो प्यार का पंचनामा और सोनू की टीटू की स्वीटी जैसी मूवीज़ बनाते हैं, तो बहुत मज़ा आया देख के. शुरू से लेके फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ऐसे लगा कि उतना ये नहीं है, लेकिन सेकेंड हाफ में इट गोज़ टू अनदर लेवल. मूवी कुछ खास नहीं है भाई, बट यही चीज़ कहना चाहूँगा कि रीज़न एक ही है कि पिक्चर्स में ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए. पब्लिक को हंसाना भी, आपको पब्लिक को माइंड से भी खेलना है, और इसमें वो सारी चीज़ें कहीं भी नज़र नहीं आया. डेली सोप देखने के लिए हम लोग नहीं आते यार. अमेजिंग मूवी, बहुत मिक्स्ड इमोशन है, सब है, मस्ट वॉच. बहुत अच्छी थी. कोई ऐसा मूवी का पार्ट हो, सीन हो जो आपको पसंद आया? लास्ट का सीन बहुत अच्छा है. केमिस्ट्री कैसी लगी रणबीर और श्रद्धा? बहुत अच्छी है रणबीर और श्रद्धा की केमिस्ट्री. मूवी वन टाइम वॉच है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा भी लगा. मतलब इनफैक्ट स्टोरी अच्छी लगी, मूवी भी अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा बोरिंग भी लगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ बहुत इंटरेस्टिंग है, सेकेंड हाफ थोड़ा डाउन है. बट कहीं ना कहीं है ना, आपको स्टोरी की वजह से ना बहुत पकड़ के रखेगा, क्योंकि स्टोरी कॉन्टेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है. लव राजन का मूवी है, तो इनफैक्ट स्टोरी निकलना ही है स्ट्रॉन्ग. अच्छी है, मतलब इतनी अच्छी नहीं कि मैं बोल सकूँ कि मैं सेकंड टाइम देखने जाऊँगी. सारा टाइटल है, वैसी पिक्चर है, बहुत अच्छी लगी. सबसे अच्छा जो मुझे लगा है उसका कॉन्सेप्ट, और उसका रीज़न है कि ये कॉन्सेप्ट आज की जनरेशन को बहुत कनेक्ट करता है, क्योंकि ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है आजकल, बहुत ये चीज़ें आम है. और जो सबसे अच्छा है कि डायरेक्टर ने इस कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से प्रेजेंट किया, इंटरटेनिंग वे में, 90 मिनट्स में आप किसी को हंसा भी रहे हो, रुला भी रहे हो, रोमांस भी दिखा रहे हो, फैमिली ड्रामा ओवरऑल. और एक्चुअली मैं ये मूवी देखने आई थी रणबीर कपूर के लिए, क्योंकि वो नॉर्मल डायलॉग डिलीवरी भी करते हैं ना, उसमें भी एक अपना एक एंटरटेनमेंट होता है, और वो हर बार अपने ऑडियंस के जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल करते हैं, और इस मूवी में भी उन्होंने ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया है. Now let's see how many stars they gave the movie. को मैं 3.5 दूंगा, 5 में से 3. जिसमें कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन, म्यूजिक, कॉस्ट्यूम, केमिस्ट्री, एक्टिंग, ओवरऑल 4. आइनस रिपोर्ट.